नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत है। और एशियन मार्केट्स में आज हम एक राहत के सांस देख रहे हैं। एशियन मार्केट्स पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। कल के दिन में भी यूएस में हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी, जबकि यूएस स्टॉक फ्यूचर्स एक बार निगेटिव ट्रेड कर रहे थे लगभग 300 पॉइंट। बट उसके बावजूद ओपनिंग के बाद यूएस मार्केट्स में हमने एक बड़ी तेज़ी देखी और डेज के हाइएस्ट पॉइंट पे यूएस मार्केट्स को क्लोज होते हुए हमने देखा। और उसके लिए सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो वहाँ की जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है, उसे जो यूएस के जो टॉप लेंडर्स बैंक है वो आके सपोर्ट करेंगे। और इसी पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से हमने पूरे ग्लोबल मार्केट के इक्विटी इंडाइसिस में अच्छी तेज़ी देखी। सिंगापुर निफ्टी मोर देन 100 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम यूएस स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉशियसनेस हमें नज़र आ रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वहाँ पे आज ट्रिपल विचिंग डे है, यानी कि फ्राइडेज क्वार्टरली ट्रिपल विचिंग डे। इसका मतलब होता है कि जितने भी एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आज के दिन में एक्सपायर होंगे। और इसी वजह से वहाँ पर हमने एक कॉशियसनेस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी देखी है इन यूएस स्टॉक फ्यूचर्स। और ऐसे पर्टिकुलर दिन पे मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी देखने मिलती है, तो इसी वजह से हमें लगता है कि यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सा कॉशियसनेस है। बट अदरवाइज मार्केट्स में हमें लगता है कि थोड़ा और यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम बन सकता है। 17,100 मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। उन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो हम नेक्स्ट लेवल्स देखेंगे 17,200 से लेकर 275 के। 17,300 के ऊपर चलना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, तो स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि अगर हम 17,200-300 के लेवल्स देखते हैं तो उन लेवल्स के करीब हमें कुछ पोजीशंस को कम करना है। साथ ही साथ अगर आज 17,100 के ऊपर निफ्टी अगर सस्टेन करे तो वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाएं, और या तो अगर मार्केट इन लेवल्स अगर करेक्ट होते हुए 16,950 और 900 के रेंज में अगर वापस से ड्रॉप होता है तो वहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाएं और स्टॉप लॉस रखें 16,800 का। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 39,500 के है, और 39,500 के ऊपर 40,200 के लेवल्स नज़र आते हैं। ऑन द डाउन साइड 39,250-200 के लेवल्स सपोर्ट करेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक हमें BFSI के ऊपर ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमें लगता है कि FMCG कंपनीज में तेज़ी बनेगी, क्योंकि क्रूड के दामों में एक अच्छी खासी नरमी हमने देखी है। और कुछ सिलेक्ट IT कंपनीज में हमें लगता है कि एक वैल्यू बाइंग का दौर बन सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे आज के लिए मैं विदा लेता हूँ, और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।